हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआर ट्यूटोरियल्स। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने सिमिलरिटी किया था, आज उसके आगे का एक्सरसाइज करने वाले हैं और ये इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये थ्योरम है, इसका सिर्फ आइडिया तो मैं बताऊंगा, इसका कोई डिटेल प्रूफ, इसका मैंने वीडियो अलग से बना के रखा, आप वहां पे चेकआउट कर सकते हैं आपने नहीं देखा तो। तो ये है क्या, मान लीजिए एक ट्रायंगल है, एक और ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है ए बी सी और एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। ये दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो लेंगे, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इसके एरिया का जो रेशियो लेंगे तो इसके जो साइड का जो रेशियो होगा वो उसका स्क्वायर होगा। मतलब इसका रेशियो क्या रहेगा, ए पी ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। ये इस थियरम का बेसिक आइडिया जो हम यूज करते हैं हमारे यहां पे, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है पूरा बेस्ड है। और आपको ये समझ गया कि ये एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल कैसे अप्लाई करना है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल बोल सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है, तो इसके कॉन्सेप्ट यूज करके हम सम्स को बड़े इजी तरीके से कर सकते हैं। तो चले बढ़ते हैं इसके सम्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स, उस एक्सरसाइज के यहां पर कुछ सम्स दिए हुए, तो उस कॉन्सेप्ट को यूज करके सम्स को कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है, सम्स का क्या अप्रोच है वो देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या है। The ratio of corresponding sides of two similar triangle is 3:5. We'll find the ratio of area. मतलब दो ट्रायंगल दिया गया, या हम लोग मेंशन नहीं किया, हम अपने आप से अज्यूम कर सकते हैं, दो ट्रायंगल दिया उसके साइड का रेशियो अगर दिया गया, पूछा क्या है उसके एरिया का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। आगे बढ़ते, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। तो यहां पर ट्रायंगल दे दिया, ट्रायंगल बना लेंगे, मानो ट्रायंगल ए, मानो ट्रायंगल लिख दिया ए बी सी और एक ट्रायंगल दिया है पी क्यू आर। ये जो ट्रायंगल है दूसरे क्या है, सिमिलर सिग्नल बोल दिया, और उसके साइड का रेशियो, मान लो दो साइड है, इसका रेशियो भी है 3:5 और हमको बोला इसका एरिया का रेशियो निकालने के, तो दो ट्रायंगल सिमिलर है तो रेशियो ऑफ एरिया सिमिलर ट्रायंगल यूज कर सकते हैं। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या लिखेंगे, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, क्या रीजन क्या आएगा, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये इसका रीजन है। अब इसको सॉल्व करते हैं, हमको साइड्स का रेशियो दिया है, साइड्स का रेशियो दिया मतलब क्या रहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इसका रेशियो क्या रहेगा, क्या है 3 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 9/25। फ्रेंड्स आपको गलती है तो आप लोग मेरे पे आंसर एंड कर दो, बट हमने पूछा क्या है, रेशियो ऑफ एरिया, तो लिखना पड़ेगा देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज टू रेशियो टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 9:25। ये इसका एरिया का क्या है, रेशियो। ये था एक तरह का क्वेश्चन। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट तरह के क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन है क्या, पढ़ते क्वेश्चन को। इफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, मतलब ए बी सी और पी क्यू आर ट्राइंगल क्या एक दूसरे को सिमिलर, उसमें हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना 80 और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर 125 पूछा, इसके रेशियो का साइज का रेशियो, तो सेम अप्रोच यूज करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, दो ट्रायंगल सिमिलर भी आ गया है, ट्रायंगल का नाम मेंशन किया गया था, हम बनाने की जरूरत नहीं, सीधा स्टार्ट करते सॉल्यूशन से। क्या बोला है, सीधा करेंगे एरिया का रेशियो, मतलब क्या लगेगा, बाय यूजिंग रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इसकी प्रॉपर्टी यूज करके हम सॉल्व को अप्रोच करेंगे, क्या प्रॉपर्टी क्या है, दो एरिया का जो रेशियो है
दो ट्रायंगल के जो एरिया का रेशियो, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, इसका जो रेशियो होगा उसके साइड्स का स्क्वायर होगा। मतलब कोई भी साइड्स मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं एबी स्क्वायर अपॉन पीक्यू स्क्वायर, तो एरिया दिया मेरे को, एरिया क्या हो जाएगा एपी अपॉन 125 इक्वल्स टू एबी स्क्वायर अपॉन पीक्यू स्क्वायर। स्टूडेंट्स अभी मेरा आंसर हुआ नहीं है, ये जो जो साइड से इसमें स्क्वायर में, बट हमको चाहिए किसमें, सिंगल एरिया चाहिए, तो ये करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। आगे चल के मैं इसको शॉर्टकट लिखूंगा टी एस आर, तो आप लोग समझ जाने है क्या, तो क्या हो जाएगा रूट में 80 अपॉन 125 इक्वल्स टू एबी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, इसका रेशियो देना, इसको रूट के बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लो यहां रूट के बाहर निकालता हूं, फैक्टर निकाल रहा हूं 80 240 जा 220 जा 210 जा 25, तो आंसर क्या आएगा 2 2, रूट के बारे में तो क्या आएगा 4 root 5, और ये क्या हो जाएगा 5 root 5। जब ये रूट है रूट कैंसिल तो क्या जाएगा AB अपॉन PQ, 5 5 कैंसिल, तो AB इस टू PQ क्या जाएगा 4 is to 5, इसके एरिया का जो रेशियो क्या है 4 is to 5। ये था सिंपली दो टाइप्स के बहुत इजी सॉल्यूशन से, अब बढ़ते कुछ कॉम्प्लिकेट सम्स की तरफ, क्या अप्रोच होगा, अगर थोड़ी सी मिस्टेक हुई ना तो स्टूडेंट्स वो जो अप्रोच है पूरी रॉन्ग हो जाएगी, तो आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये कुछ अलग और दो टाइप्स के सम्स है, आओ बढ़ते इस सम्स की तरफ। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते कि क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन क्या है, इन ट्राइंगल एल एम एन एन ट्राइंगल पी क्यू आर, उसमें क्वेश्चन दिया है 9 into एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू 16 into एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन एंड क्यू आर इक्वल टू 20, देन फाइंड द एम एन। इसमें बोला क्या है कि जो दो ट्राइंगल है ना सिमिलर है, उसमें मुझे दो ट्रायंगल का जो रेशियो है उसको कुछ कॉम्प्लिकेट सम्स दिए और हमको बोला कि फाइंड करना है एम एन। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से, सिंपली इसमें स्टार्टिंग में तो बोला गया क्या कि ट्रायंगल एल एम एन और क्यू पी क्यू आर की जो वैल्यू क्या है सेम है, मतलब इसकी जो रेशियो क्या है सेम, तो इसमें गिवन स्टार्ट करते क्या दिया है 9 into एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 16 into एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जो वैल्यूज की जो रेशियो, मतलब जो नंबर है वो जो बड़ा नंबर है ना हमेशा अपर रहेगा, स्मॉल नंबर हमेशा डाउन में रहेगा, तो उसका जो इसको अरेंज कैसे करेंगे 16 ऊपर होगा 9 नीचे आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन ये इधर आ जाएगा इधर एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन, इसकी जो रेशियो क्या रहेगी 16 अपॉन 9। तो जो गिवन सॉल्यूशन है इससे क्या मिला एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर और एल एम एन का क्या मतलब रेशियो, इससे क्या चला जो पी क्यू आर ट्रायंगल है क्या बड़ा है और एल एम एन ट्रायंगल क्या है वो छोटा है। अब हमको फाइंड करना एग्जैक्टली साइड एल एम की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये है क्या देखते हैं, तो क्या यूज करेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो ये प्रॉपर्टी है क्या और देखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन, इसका साइज का रेशियो क्या पहले क्या गिवन का दिया क्यू आर और फाइंड करेंगे बोलना एम एन, तो हम यही वाला साइड का रेशियो लेंगे अलग नहीं लेंगे, तो इसकी वैल्यू डाल के सब्स्टिट्यूट करते हैं 16 अपॉन 9 इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर अपॉन एम एन स्क्वायर, क्या होगा यहां पे टेकिंग स्क्वायर रूट, ये रूट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16 अपॉन 9 इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर अपॉन एम एन स्क्वायर। अब इसको रूट से बाहर निकाल के क्या जाएगा, सिक्स का स्क्वायर 4 का 3 का 4 अपॉन 3 इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन एम एन। अब हमको फाइंड करना है एल एन की वैल्यू भी फाइंड करनी है, बट क्यू आर दी हमें, तो क्या जाएगा 4 अपॉन 3 इक्वल्स टू 20 अपॉन एम एन, 4 1 4 5 एम एन आ जाएगा, एम एन इक्वल्स टू 3 into 5 एम एन इक्वल्स टू 15,
इस वजह से हमने एमएन की वैल्यू फाइंड की। तो क्वेश्चन आपने मिस्टेक्स क्या करते हैं, आपने यहाँ पे ना एरिया का रेशियो करके छोड़ दिया, बट आपने ध्यान से देखते नहीं क्वेश्चन पूछा क्या है, क्वेश्चन पूछा क्या एमएन। तो ये जो अप्रोच है आपको आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, पहले तो क्वेश्चन को समझना पड़ेगा क्वेश्चन दिया क्या है, फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू की तरफ डिस्कशन है, बस कुछ डेटा हमको छुपी हुई है, उसको हमको समझना है कैसे करना है वो देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन पहले पे क्या दिया है, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज 255 स्क्वायर सेंटीमीटर और 81 सेंटीमीटर। दो एरिया दो ट्राइंगल का जो एरिया है वो हमको दिया है, दो ट्राइंगल सिमिलर बोल रहा है। इफ द साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर, दो ट्रायंगल से छोटा होगा ऑब्वियस सी बात है, छोटे वाले ट्रायंगल का जो एक साइड है वो हमको दिया है और पूछा है कि बड़े साइड का ट्रायंगल का साइड क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले ट्रायंगल देख रहे, ट्रायंगल क्या मान लीजिए, ट्रायंगल एक ये और एक ट्रायंगल ये है, ट्रायंगल ये क्या है ए बी सी और एक ट्रायंगल क्या है पी क्यू आर। अब क्या यूज करेंगे, सेम प्रॉपर्टी ऑफ एरिया ऑफ रेशियो सिमिलर ट्रायंगल का यूज करते हैं। इसका रेशियो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या लिखेंगे ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, क्या लिखेंगे रीजन एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब इसकी वैल्यू इसका क्या एरिया है 225 तो से बड़ा वैल्यू कौन सा है 225 और एक वैल्यू को 81, तो स्मॉलर साइड क्या हो जाएगा 81। तो हमको किसकी वैल्यू दी गई है पी क्यू की वैल्यू और ए बी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो ये क्या होगा 12 का स्क्वायर, सिंपली सेम 13 स्क्वायर रूट, 13 स्क्वायर रूट रूट के अंदर जाएगा 225/81 इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर अपॉन 12 का स्क्वायर, इसको एट का मिल जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल, इसका 25 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 15 का एंड 81 इसका स्क्वायर 9 का, 15/9 इक्वल्स टू ए बी अपॉन 12। अब आगे क्या करेंगे, 15 × 12/9 इक्वल्स टू ए बी, क्या हुआ डिवाइड में इसको मल्टीप्लाई हो गया, 3 × 3 = 3, 5 × 3 = 3, 4 × 3 = 4, तो ए बी की वैल्यू क्या है 20 और हमने साइड का वैल्यू में बिगर मतलब जो स्मॉलर से बड़ा अच्छा स्मॉलर कितना 20, तो ये ट्रायंगल क्या है बिगर। तो लास्ट वीक स्टेटमेंट लिखने का देयरफॉर द साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर, ये था इस ट्रायंगल का अप्रोच। अब चलते हैं नेक्स्ट इस चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट सम और बहुत कॉम्प्लिकेटेड एंड बहुत इंपॉर्टेंट सम्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्वेश्चन है क्या, फिर आगे बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल डीईएफ डीईएफ एक ट्रायंगल दिया है, उसमें बोला है सेगमेंट पीक्यू पैरेलल टू सेगमेंट डी, मतलब ये दोनों क्या एक दूसरे को पैरेलल, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यू पीक्यूएफ इसका एरिया दिया है, मुझे पूछा गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू इसका मुझे एरिया निकालना है और मुझे क्या बोला है जो पी एफ है ना 2 × BP मतलब इसका 2 गुना है। तो अगर मैं बड़े एरिया का ट्रायंगल निकालू और छोटे ट्रायंगल का एरिया दिया है, बड़े में से छोटे ट्रायंगल एरिया निकाल दूंगा तो मुझे इसका एरिया मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप लोगों का सवाल होगा कि हम इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट कहां यूज करने वाले, तो आओ देखते कहां यूज करने वाले। चलो बढ़ते आए क्वेश्चन की तरफ, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वो जाएगा भाई गांव में, ये पढ़ाएगा, हमने पढ़ाने स्टार्ट किया है, ये काट देना जितना बात किया है। तो चलते सॉल्यूशन की तरफ, सॉल्यूशन तो सबसे पहले देखते हैं जो डीएफ है, डीएफ क्या हो जाएगा डीपी प्लस पीएफ, डीएफ क्या हो जाएगा डीपी प्लस पीएफ, इसका रीजन क्या हो जाएगा डी डैश पी डैश एफ, हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट अज्यूम ध्यान नहीं देते हैं, लेट अज्यूम क्या डीपी इक्वल्स टू एक्स। अब डीएफ क्या हो जाएगा डीपी कितना एक्स, पीएफ कितना है पीएफ क्या है पीएफ इक्वल्स टू 2 डीपी,
तो पीएफ क्या हो जाएगा 2x, तो x प्लस 2x, बीएफ क्या हो जाएगा 3x, इसको मैं देता हूं 1, ये कहां से आया गिवन। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब मैं करता हूं ट्रायंगल एफ पी क्यू और ट्रायंगल एफ डी ई, इसको सिमिलर प्रूफ करके इसके एरिया का रेशियो लिखता हूं, मतलब इन ट्रायंगल एफ पी क्यू एंड ट्रायंगल एफ डी ई, मतलब इसको सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। सिमिलर प्रूफ करने के बाद ही एरिया ऑफ सिमिलर ऑफ ट्रायंगल यूज कर सकते, तो क्या हो जाएगा एंगल एफ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ, रीजन क्या आएगा कॉमन एंगल, ये हो गया। अब मान लो ये पैरेलल लाइन है, ये तो आंसर से लाइन है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा सेम टू करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब एंगल पी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, रीजन क्या आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। इससे क्या होता है कि ट्रायंगल एफ पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल एफ डी ई, कैसे एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, ट्रायंगल का रेशियो सिमिलर हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टी लगाते हैं, क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू अपॉन, पहले बढ़ा लेते हैं तो एफ डी क्यू आएगा, तो पहले क्या आएगा एफ डी ई, एफ डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू, किसका रेशियो लेंगे बी एफ स्क्वायर अपॉन पी एफ स्क्वायर, तो बी एफ कितना आता है, बी एफ कितना है 3x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, तो x एक्स कैंसिल, ये क्या जाएगा 9 अपॉन 2। अब हमको किसका एरिया चाहिए बड़ा ट्रायंगल का, मतलब एफ डी ई का, तो ये क्या जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई इक्वल्स टू 9 अपॉन 4 इंटू क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू जो हमको गिवन है, तो यहां से क्या हो जाएगा आगे बढ़ते क्या देगा यहां से, ये क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई इक्वल्स टू 9 अपॉन 4 इंटू कितना था इसका एरिया 20, इसको देंगे गिवन। अब ये क्या हो जाएगा 4 1 4 5, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई क्या हो जाएगा 25, इसको दिया मैंने सेकंड, और यहां पे क्या लिख सकते हैं, यहां पे क्या लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट। अब हमारे ये काम नहीं, हमारे काम के कोई लेटर डी पी क्यू को निकालना, हम क्या देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई, एफ डी ई माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू, इससे हमें मिले हो गया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ई, सिंपली इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एफ डी, एफ डी कितना दिया है एफ डी ई कितना हो जाएगा 35, ये कितना हमें दिया है माइनस 20 इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू ई, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी पी क्यू ई इक्वल्स टू 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमें मिलता है क्वाड्रिलेटरल का एरिया। तो यहां पे हमने एरिया ऑफ रेशियो ट्रायंगल का यूज किया, यहां पे मतलब ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया, उसकी हेल्प से हमने बड़े ट्रायंगल का एरिया निकाल के फिर बड़े ट्रायंगल में से छोटे ट्रायंगल को माइनस करके तो हमको क्वाड्रिलेटरल मिल गया। तो इस तरह के ट्रिकी अप्रोच वाले भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट सम भी है, इंपॉर्टेंट सम भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, और ये आएगा तो भी तीन मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा। तो आपको क्वेश्चन चेंज कैसे करेंगे, यहां पर ये पी एफ इक्वल्स टू 5 डीपी, मतलब जो डीपी है जो पी एफ है डीपी का 5 गुना है, तो आप यहाँ पे चेंज कर लेगा 5x, ये क्या देना 6x, तो उसके अकॉर्डिंग मेरी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे आपको एरिया का जो वैल्यू है भी चेंज दे सकते हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन हम घुमा सकते हैं। तो ये था इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे हमारे ये सिमिलरिटी चैप्टर भी खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए चैप्टर्स के साथ।